नेटवर्क लेयर का सारा काम क्लियर हो गया होगा, डेटा लिंक लेयर का भी काम क्लियर है। नहीं, डेटा लिंक लेयर क्या क्या काम कर रही थी? डेटा लिंक लेयर ने क्या क्या किया था? फ्रेमिंग की थी, फिर उसके बाद मैक एड्रेसिंग की थी, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब देखो, ये जो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये सारे काम कर रहे थे वो लोकली कर रहे थे। लोकली मतलब उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर ही। देखो होता क्या, जैसे ये सोर्स है, इसने कुछ पैकेट जनरेट किए, तो ये यहाँ से इसके स्विच पे, राउटर हब जहाँ पे भी जाएंगे, उसके बाद जब मान लो ये मेन राउटर है जहाँ से आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, मान लो उसके बाद ये इंटरनेट है सारा, है ना। उसके बाद रिसीवर एंड पे भी सपोज यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस से होकर जा रहा है, इंटरनेट का मतलब इसके अंदर ही बीच में बहुत सारा कुछ होगा, क्लियर। उसके बाद आपका मान लो ये लोकल जो ये कंप्यूटर है ये इस राउटर से कनेक्टेड है, बीच में कुछ नोड वगैरह होंगे, यहां तक पहुंच गया। तो मेन क्या है जो ये कर रहा है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर, ये इस मेन राउटर पे जाने से पहले, मतलब इंटरनेट पे जाने से पहले जितनी डिवाइसेस से जा रहा है वहां पे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल करता है। समझ में आई? अब ओवर द नेटवर्क भी तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, कि बीच में पैकेट कहीं लॉस ना हो जाए, कोई चीज ना हो जाए बीच में हमारे पास। अब हमने, ये तो डेटा लिंक लेयर का काम था, इसके बाद हमने कौन सी लेयर पढ़ी थी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या कर रहा था? आईपी एड्रेसिंग कर रहा था और राउटिंग कर रहा था। तो राउटिंग मतलब इस इंटरनेट पे जाएगा कैसे, वो काम की जिम्मेदारी किसकी है? नेटवर्क लेयर की। अब यहां से इस आईपी एड्रेस से, इस आईपी एड्रेस को यूनिक आईपी एड्रेस दे देगा, जिससे कि कहीं और ना पहुंच जाए, मतलब एड्रेस कुछ और ना मिले। जैसे दुनिया में एड्रेसेस होते हैं, अब एक जगह के सेम एड्रेस थोड़ी हो सकते हैं, ये वो कोऑर्डिनेट समझ लीजिए, कि आईपी एड्रेस तो कभी भी दो डिवाइसेस के सेम हो ही नहीं सकते। तो चलो, इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन बीच में कहीं पैकेट लॉस होंगे या कुछ होंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ओवर द नेटवर्क। तो इसलिए आप जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम देखिए, यहाँ पे देखो, ये फिजिकल एड्रेसिंग यानी मैक एड्रेस, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग, और ट्रांसपोर्ट लेयर डील करता है पोर्ट नेटवर्क एड्रेसिंग से। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर पर्टिकुलर चल रहे प्रोसेस पे डेटा पहुंचाना है ना, तो पोर्ट एड्रेस सर्विस का काम हो गया। ये भी फ्लो कंट्रोल और एडर कंट्रोल दोनों चीज करेगा, और ये एक काम और करता है, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। अब मैंने आईपी का हेडर आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, वहां पे सेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ रही थी आकांक्षा? अगर कैरिंग यूनिट का साइज, मान लो आपको डेटा भेजना है 15,000 बाइट है, ठीक है, जो नीचे कैरी करके लेके जा रहा है, मान लो और वो उसका साइज कम है तो एथरनेट है, वो लैन है, तो वो 1500 बाइट ही कैरी कर सकता है। तो इस पैकेट को हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। अब रिसीविंग एंड पे उन्हें कंबाइन भी तो करना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ जी पे भी हम इस तरीके का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा कहाँ से आ रहा है? अपर लेयर से। तो हो सकता है वहां पे बड़ा साइज हो, तो अगर बड़ा साइज है वहां कैरी नहीं कर सकता, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगी? उसको ब्रेक करेगी और पैकेट को इन्वर्स दे सेगमेंटेशन देगी। एंड हाँ, रीअसेंबली सेगमेंटेशन इधर की तरफ ब्रेक करेगी और दूसरे रिसीवर के एंड पे उसको रीअसेंबल कर लेगी। रीअसेंबल तो करेगी। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर कर क्या रही है ना। अब यहाँ पे जी दो चैप्टर इसके लिए पढने होते हैं हमें, फ्रोजन में अगर है तो चैप्टर 23, 24। 23 में प्रोटोकॉल्स हैं यूडीपी, टीसीपी और एससीटीपी, है ना। चैप्टर 24 कंजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कंजेशन कंट्रोल की पॉलिसीज हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बट मैंने कटिंग करके छोटा डाल रखा है, आपको उतना भी नहीं पढ़ना है। मतलब जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद आपको मतलब मुश्किल से एक पेज लिखना होगा, वो आप खुद लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। वो बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाएगी, 10 मिनट की भी नहीं है, मतलब बाद में समझने में तो 1 सवा घंटा लग जाएगा अभी हमारा, ठीक है। तो आइए इसको अब डिटेल में समझते हैं। तो पहला काम तो आपको पता ही है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है, तो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। अब यहाँ पे ऊपर जो इसने समझा रखा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा, डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी करती है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है। जी आईपी जो करती है वो होस्ट टू होस्ट करती है, कौन? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बट इस ये भी इनफ नहीं है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा पहुंच गया, दैट इज नॉट इनफ, वी वॉन्ट कि पर्टिकुलर प्रोसेस पे जाके डिलीवर हो। फॉर दैट वी नीड प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, दैट्स व्हाई क्या आया, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या काम करता है? पोर्ट एड्रेसिंग। समझ में आ गई? तो ये तो हमें बहुत अच्छे जी से क्लियर है, 10 बार हम डिस्कस कर चुके हैं अराउंड। यहाँ पे ये वाली फिगर भी अब कई बार क्लियर है, नोड टू नोड, या इसको ही क्या बोलते हैं बताइए, होप टू होप। ये काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक होस्ट टू होस्ट या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कौन करता है? नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क प्रोसेस टू लेयर प्रोसेस डिलीवरी, या इसी को कई बार बोलते थे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। क्या? सर्विस पॉइंट डिलीवरी। सर्विस पॉइंट मतलब जहां पर्टिकुलर चाहिए, वो काम किसका है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये फिगर क्लियर है आपके लिए, यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से, बाकी टीसीपी और यूडीपी की बातें हैं, बट स्टिल हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। क्लाइंट सर्वर क्या होता है भाई, जिसको डिटेल में देखना हो वो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। पेपर में इसमें आने, क्लाइंट आपको पता है ना, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं
ठीक है, मान लीजिए हम जीमेल के सर्वर से कुछ एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पे हमारा कंप्यूटर क्लाइंट है और जीमेल का सर्वर हम वहां से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, सर्वर कहलाएगा उस टाइम पे, है ना। तो ये चीज आप पढ़ जी सकते हैं। अब एड्रेसिंग में ये चीज हम नहीं कर रहे, तब डिटेल के लिए था, इसको छोड़ देते हैं अभी, बट ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है। कितने बिट का पोर्ट एड्रेस करते हैं हम, 16 बिट का। मतलब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, पोर्ट नंबर्स माइट भी पूछ ले वेल नोन पोर्ट्स की रेंज क्या होती है, ठीक है, या डायनेमिक पोर्ट आपके यूज में आ सकता है, बहुत नगण्य चांसेस है, स्टिल देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो 16 बिट मिलती है आईपी एड्रेस के लिए, 16 बिट का मतलब आकांक्षा कितने आईपी एड्रेसेस हो सकती है, आईपी एड्रेस की रेंज 0 से लेके 65536 तक डिफरेंट नंबर आप दे सकते हैं। 65536 तक नहीं, हाँ 35 तक दे पाएंगे, 4 बिट से 15 तक जाती है ना मैक्सिमम, ऐसे ही, ठीक है। अब इसमें वेल नोन पोर्ट्स कौन से होते हैं, 0 से 1023 वेल नोन पोर्ट्स पता है कौन से हैं, जैसे टीसीपी का पोर्ट है, वेल नोन है ना वो, एसएमटीपी का, जो जी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के हैं, आप उनके सबके किसी के भी देखेंगे, जैसे 443 किसका है, मैं कल बता रहा था एचटीटीपी एस का है, का ठीक है, तो ये 443 है। ऐसे ही बहुत सारों के पोर्ट नंबर्स हैं, वेल नोन पोर्ट सारे कहां से कहां तक की रेंज के होंगे, 0 से 1023 तक के। रजिस्टर्ड पोर्ट कौन सा है आकांक्षा, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक रजिस्टर्ड कराते हैं खुद को ऑनलाइन, तो वहां पे आप रजिस्टर्ड पोर्ट आपको मिलेगा IANA से। IANA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, आई थिंक यही होती है, ठीक हाँ है। ये ऊपर तो लिखी हुई है, ये हाँ कहाँ पे है, ओके हाँ ये रहा INA इंटर, रेंजेस हाँ ओके में हाँ, तो INA की यही फुल फॉर्म है। तो ये आपको कौन देता है, मतलब INA के थ्रू आपको रजिस्टर्ड करा सकते हैं खुद को, आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा। और डायनेमिक पोर्ट, इस डायनेमिक पोर्ट का मतलब क्या यूज है अगर मैं आपको बताऊं, तो मतलब शायद इसमें तो नहीं है बट स्टिल, आकांक्षा मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, सभी लोग बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, कहीं के दिमाग में क्वेश्चन शायद जब मैंने बताया हो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग होगी तो आया हो, मान लो इस पे भी मैंने गूगल खोल रखा हो, इस पे भी गूगल खोल रखा हो, इस पे भी गूगल, यहाँ पे भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो तीनों पे आकांक्षा क्या जाएगी, HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी ना, पोर्ट नंबर तो 80 रह गया सबका, हाँ जी जाएगा कि नहीं। अब जब ये जा रही है, मान लो 80 से रिक्वेस्ट जाएगी, तो उस केस में जब वापस आएगा तो वो देगा किसको, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो तीनों ही 80 है ना, तो फिर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कैसे हो पाएगी, समझ रहे हो। तो जब ये क्लाइंट मशीन सर्वर से एक कनेक्शन बनाती है ना, तो उस टाइम वो एक डायनेमिक पोर्ट भी इसको असाइन कर देता है, वो रेंज क्या होगी, 49,152 से 65,000 तक। मान ले आकांक्षा इसको दे दिया 50,000, क्या दे दिया, 80 के साथ एक डायनेमिक पोर्ट असाइन कर दिया 50,000, ओके। होता जी है इसका प्रोसेस दूसरा है, बट मैं आपको वैसे कंसिडर कराने के लिए बोल रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा डायनेमिक पोर्ट का काम क्या है। देखो वेल नोन पोर्ट तो आपको पता ही है किस लिए यूज हो गए, पोर्ट नंबर्स, रजिस्टर्ड हाँ पोर्ट किस जी लिए, अगर आप खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, आप कोई कंपनी या कोई सर्विस खोल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ इस रेंज का मिलेगा, और ये डायनेमिक पोर्ट है। तो डायनेमिक पोर्ट का पर्पस क्या है, अगर तीनों एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही रिक्वेस्ट जा रही है, तो ये डायनेमिक पोर्ट का कोई सा यूज कर लेगा, मान ले 50,000, ये 50,001, ये 50,002, तो जब रिटर्न होके यहाँ पे आएगी ना, जब ये सर्वर से कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, तब इस नंबर के साथ भी स्टेब्लिश हो जाएगा, तो रिटर्न करते हुए उसे पता है कि किस पर्टिकुलर को सर्विस देनी है, आपके काम का ना है, छोड़ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ क्या हुई है, पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, पोर्ट नंबर 16 बिट का, 16 और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है, दैट्स इट। अभी तक यही काम की बात आपकी हुई है, खत्म। आगे सॉकेट एड्रेस, ये अगली काम की बात है। सॉकेट एड्रेस क्या होता है बच्चों, सॉकेट एड्रेस होता है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, इन दोनों को मिला दो तो क्या कहलाएगा, पोर्ट एड्रेस, सॉकेट जो नीचे एड्रेस दे रखा है सॉकेट एड्रेस, क्लियर है। जैसे देखो ये सिस्टम का आईपी एड्रेस था और ये 69 पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, कोई आप में से बताएगा 69 किसका पोर्ट नंबर है। अच्छा आपने सुबह ऑडियो सुनी नहीं है अभी, उसमें भी मैंने दो एक बार रिपीट किया था, TFTP का होता है बच्चों, जितनी बार आंखों के सामने से जाएगा उतनी बार चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो TFTP का है, ठीक है। मैंने सुबह एप्लीकेशन लेयर की मिनिमाइज्ड ऑडियो भेजी है 16 मिनट की, उसमें सारी प्रोटोकॉल काफी डिटेल डिस्कस है उस 16 मिनट में भी, आप सुनेंगे तो, और पहली बार आपको 1x पे सुन सकते हैं, अगली बार तो 1.5x पे सुन लो, रिविजन हो जाएगा और जल्दी, कभी भी 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो आप प्रोटोकॉल्स, इसलिए मैं मिनिमाइज फॉर्म में बना के दे रहा हूँ ऑडियोज, उससे क्या अगर 5 घंटे की भी ऑडियो होंगी वो भी नहीं होगी, 3-4 घंटे की होगी, पहली बार सुनने में टाइम लगेगा, फिर तो मिनिमाइज में सुन लो, आपको रिविजन करना है कि आज नेटवर्क का रिविजन करना है, 2-2.5 घंटे में कर लो, खत्म। चले आगे, जी सॉकेट एड्रेस क्लियर हो गया भाई, मल्टीप्लेक्सिंग जी डीमल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्यों है आकांक्षा,
ये प्रोसेसेस हैं। देख यहाँ पे वो काम हो रहा है, रिक्वेस्ट मान ले ये तेरी HTTP की रिक्वेस्ट जा रही है, ये यूट्यूब पे कुछ खोला, ये कुछ और, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा जब नेटवर्क पे जाएगी तो ये तो तीनों रिक्वेस्ट जा तो एक ही सिस्टम से रही है, तो मल्टीप्लेक्सर इनको कन्वर्ट कर देगा एक सिंगल रिक्वेस्ट में, ओवर द नेटवर्क जाएगी, मतलब आईपी का मतलब क्या है, नेटवर्क के ऊपर चली गई, वहां से जो भी रिक्वेस्ट हमारी वापस आएगी डीमल्टीप्लेक्सर उसको डिकोड करके जिसे जो जो जिसकी थी रेस्पेक्टिव उसको ही लौटा देता है। तो समझ गए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्यों हो रही है। सागर क्लियर है ये बात? नीताश्री हाँ सर, मतलब ये देखो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो अलग अलग प्रोसेसेस से होंगी ना, बट कंप्यूटर तो एक ही है, कंप्यूटर एक ही है तो आईपी एड्रेस भी एक होगा, इंटरनेट के ऊपर जा रही है जब जिसकी रिक्वेस्ट लौट के आएगी, मान लो यही ये कंप्यूटर हमारा ही है मान लीजिए, इंटरनेट के ऊपर गई वापस जब रिक्वेस्ट आती है तो आईपी कहाँ दे देगा सिस्टम को, वो डीमल्टीप्लेक्सर वापस उस पर्टिकुलर प्रोसेस को दे देगा जिसकी थी, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायनेमिक पोर्ट नंबर। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। हाँ बाकी जी बच्चों यही ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, आप मुझे आपको कुछ भेजना है तो पहले मैं अपने बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करूंगा, फिर हम अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे। कनेक्शन लेस क्या होता है, मतलब ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, कनेक्शन लेस क्या है, इसे ए को बी पे कुछ भेजना है इसे मतलब नहीं है, ये अपना पैकेट छोड़ देगा नेटवर्क पे, जाए ना जाए, पहुंचे ना पहुंचे, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करेगा। बात समझ में आई? हेलो, जी तो कनेक्शन लेस का एग्जाम्पल है यूडीपी। यूडीपी क्या करता है, कनेक्शन लेस। बोलिए ओके यूडीपी क्या हाँ जी करेगा, कनेक्शन कनेक्शन लेस लेस प्रोवाइड करेगा, और टीसीपी और एचटीटीपी ये प्रोवाइड करेंगे आपकी कौन सी, कनेक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे इसने बोल भी रखा है, ठीक है, हो गया निताश्री क्लियर है कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। आईपी भी कैसी है बच्चों, आईपी भी कनेक्शन लेस है, कल हमने पढ़ा था ना, आईपी कैसी है, कनेक्शन लेस लेस एंड अनरिलायबल, बट बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस है, क्योंकि अपनी तो पूरी कोशिश करती है ना कि पहुंचा दें डेटा को, काम खत्म। रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल का मतलब क्या है, रिलायबल का मतलब है अगर मुझे आकांक्षा आपको 10 पैकेट भेजने हैं ना तो मैं 10 के 10 भेजूंगा, अनरिलायबल का मतलब क्या है, मैंने 10 पैकेट भेजे, दो चार लॉस भी हो गए ना बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, जितना आ गया उतना रखो। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ जी तो अब बात क्या है फिर, अनरिलायबल चीजें हमें चाहिए क्यों, कई कई जगह पे, जैसे मान लो हम वीडियो कॉल कर रहे हैं अभी आपसे, तो वीडियो कॉल में क्या होगा भाई, पैकेट अगर नहीं भी पहुंचा तो ये थोड़ी है पीछे से वीडियो चलाओ, हमें लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए, तो कभी कभी हमारी स्पीड या रियल टाइम ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा पूरे का पूरा है, बात समझ में आ रही है ना। तो जहां पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है, अब जैसे मेल है, चाहे 1 सेकंड रुक के आ जाए भाई, आए तो पूरा, तो वहां पे हमें रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो हम टीसीपी को यूज करेंगे, और जहां पे रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या यूज करेंगे, यूडीपी को, यूडी क्योंकि आकांक्षा टीसीपी कैसी है, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो कनेक्शन बनाने में भी तो कुछ समय लगेगा, हाँ जी फिर रिलायबिलिटी चाहिए उसके लिए भी समय चलेगा कि मान लो कोई पैकेट बीच में एक आध लॉस हो गया तो दोबारा सेंड कराओ, मगर यूडीपी क्या कर रहा है, ना तो कनेक्शन बनाना, और ये फास्टेस्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन हम उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर लेते हैं। तो देखो इन दो खेल हमें पता चलने चाहिए, अब मैं आगे बार बार ये तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं रिलायबल क्या है अनरिलायबल क्या है ना, मैं बोल दूंगा मान जी लो टीसीपी क्या है, रिलायबल है, तो आप खुद रिलायबल समझ जाएंगे, यानी डेटा पैकेट जितने भी होंगे ना वो पूरे के पूरे पहुंचेंगे, कोई भी बीच में लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो वो रिट्रांसमिट होकर उसके पास पूरे का पूरा आएगा, अनरिलायबल का मतलब पैकेट लॉस हो सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब डेटा भेजने से पहले पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तब ट्रांसमिशन शुरू होगा, कनेक्शन लेस का मतलब कनेक्शन नहीं बनाएंगे, एक पैकेट उसे कुछ पैकेट भेजने सीधा भेजेगा, कहानी खत्म। दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, हाँ जी अब हम पहली प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं यूडीपी। आकांक्षा यूडी कल हमने याद किया था, किसका याद किया था, आईपी का। आईपी का अगर मैं आपको रिवाइज करूं, मैंने सुबह आप ऑडियो सुन लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया रह जाता, इसलिए मैंने बना के भी सुबह ही सुबह भेज दी थी, ये रिवीजन के लिए बताना ही पड़ेगा। ये ऑप्शंस के लिए बच्चों कितनी बिट थी यहाँ पे, सबसे पहले तो ऐसे याद करो, ऑप्शंस तो मैक्सिमम कितनी बाइट हो सकती है ऑप्शंस के लिए, 40, मर्जी है, चालीस मैक्सिमम 40। पैकेट का साइज आईपी का कितना हो सकता है बच्चों, 20 से 60 बाइट का, है ना। जी अब इसमें शुरू की 4 बिट जो है वर्जन के लिए है, 4 बिट, जी इसके बाद हेडर की लेंथ, क्योंकि वेरिएबल लेंथ का हेडर है, 4 बिट इसके लिए है, तो हेडर 20 से 60 बाइट का हो सकता है ना, 20 to 60, तो इसलिए 4 बिट दे रखी जी हैं। इसके बाद प्रोटोकॉल के लिए कितनी बिट दे रखी है बच्चों, 8 बिट, और फिर टोटल लेंथ के लिए, टोटल लेंथ मतलब डेटा प्लस पेलोड, इसके लिए कितनी है, 16 बिट। सोलह पहली लाइन पूरी, ये सोर्स का आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, ये लाइन ही डेस्टिनेशन पूरी। सेकेंड लाइन में मैंने जी आपको बताया था, जब आप
ये पूरी फ्रेगमेंटेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जब पैकेट को आप छोटे छोटे साइज, मान लो ऊपर से पैकेट आया वही 15,000 बाइट है, मान लो आपकी एमटीयू का साइज है 1500 बाइट, आप एथरनेट लैन यूज कर रहे हैं IEEE 802.3, तो क्या होगा आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए? आपको इसको 10 पैकेट बनाने पड़ेंगे, तो नंबरिंग करोगे ना, तो इसलिए जो हाँ जी, 16 बिट होती हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, कितनी बिट यूज कर रहे हैं? 16 बिट। सोलह। और अगली एक तो खाली है, एक डू नॉट फ्रेगमेंट, एक मोर फ्रेगमेंट, और 13 बिट किसके लिए यूज हो रही है? फ्रेगमेंट के ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये 1500 बाइट है, तो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना साइज कितना है एमटीयू का, उसके लिए कितनी बिट यूज कर सकते हो आप? 13 बिट। ओके, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था TTL फील्ड, 8 बिट, और अपर लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? 8 बिट उसके लिए, और 16 बिट बची किसके लिए? चेकसम के लिए। समझ में आई? हेलो, हाँ अब अगर जी, ये आपको याद है ना, कोई क्वेश्चन ही आपका आईपी का, नेटवर्क लेयर में और कुछ है ही क्या? आईपी एड्रेसिंग आपने पढ़ लिया, आईपी लेयर पढ़ लिया, राउटिंग बस जस्ट देखनी है, 3 तरीके के प्रोटोकॉल है वो हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन सकता कहीं से भी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पढ़ने के लिए? हेडर की लेंथ, टोटल लेंथ वाला क्वेश्चन और TTL, और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बाकी मतलब 99.99% क्वेश्चन अगर आया आईपी के हेडर से तो वो इन तीन से आएगा। आप देख भी लेना जब पेपर सॉल्व करके आओगे ना, जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कैसे काम होगा। चलिए ठीक है, अब यूडीपी का हेडर याद करना तो बहुत 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 ज्यादा आसान, तीन ही चीजों के हेडर याद करके जाने, चौथा आईपी वर्जन 6 का कर लेना, करना है तो फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। निताश्री आईपी के, अच्छा आप दिमाग से अपने तुक्का मारो, यूडीपी के हेडर में क्या क्या चाहिए होगा? मतलब अगर यूडीपी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चाहिए होगा? इसमें चार ही चीजें चाहिए सिर्फ, दो तीन तो आप मुझे अब भी बता सकते हैं अगर अपना दिमाग लगाओगे तो। सोर्स टारगेट सोर्स का क्या चाहिए हमें, एड्रेस, कौन सा एड्रेस होगा वो? सोर्स का कौन सा एड्रेस होगा, मतलब आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस बेटा नेटवर्क लेयर में चाहिए। आप कौन सी लेयर पे हैं? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट एड्रेस चाहिए होगा। बस तो देखो रटने वाली खेल ही नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या चाहिए हमें? सोर्स का पोर्ट एड्रेस, और पोर्ट एड्रेस अभी शुरू में बताया कितने बिट का होता है? 16 बिट का। 16 बिट। हाँ अब सोर्स का चाहिए तो डेस्टिनेशन का भी चाहिए होगा, ये जी, कितने बिट का होगा? 16 बिट का। एक सोलह चीज और आप बता सकते हो अपने आप, बताओ क्या होगी वो? हेडर। हेडर, ये हेडर ही है, ये हेडर का ही साइज की बात कर रहे हो, ये जो पूरा है ना बच्चों, ये हेडर, जैसे अगर मैं बात करूँ ना, हाँ हम ठीक ऊपर है। की, ऊपर से जो एप्लीकेशन, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे जो डेटा आएगा ये तो सारा ही हो गया, इस पे नेटवर्क लेयर जो अपना हेडर जोड़ रही है ना, ये यही हेडर है, ये वाला कितनी बाइट का होगा? ये 20 से 60 बाइट का हो सकता है। देखो 20 का तो ये नेसेसरी है ही, ये टोटल कितनी हाँ बाइट जी, होगी? हाँ 20 बाइट, हर लाइन 4 बाइट की है, और ये ऑप्शंस में, ऑप्शंस का मतलब क्या है, लो या ना लो, तो मिनिमम 20 बाइट का हेडर होगा ही होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 का, तो ये भी हेडर ही है। अब देख एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर लगाएगी, अब ट्रांसपोर्ट लेयर या तो यूज करेगी यूडीपी या टीसीपी या एससीटीपी, बट हमें यूडीपी टीसीपी ही पढ़ना है, यूडीपी बस खत्म हो गया 2 मिनट में। अब बताओ हेडर में इसके, ये इसका हेडर ही पढ़ रही है कांशा तू, और देख इसमें एक बात है, 8 बाइट का फिक्स हेडर होता है। देख मैंने 4 खाने बना दिए, 16 बिट का मतलब 2 बाइट और 2 बाइट ये, तो 4 बाइट ये हो गया और 4 ही बाइट ये हो गया। और देखो आईपी, मैं तुम्हें रिलेट क्यों करा रहा हूँ, ये एक एक लाइन कितनी कितनी बाइट की है? चार चार चार। बाइट की, जिससे याद करना इजी हो। तो यहाँ पे 2 ही लाइनें बनेंगी, चार चार बाइट की, 8 बाइट का फिक्स हेडर है, इसका वेरिएबल लेंथ का साइज नहीं है, इसलिए एच लाइन यहाँ पे फील्ड ही नहीं है। निताश्री बात क्लियर हुई? सागर बहुत इजी, इससे इजी तरीके से कहीं मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, सर ये दो आपने मुझे बताए हैं, और ये पता है क्यों बताया आपने? देखो जब तक रटते रहोगे ना तो रटते ही रहोगे, अगर आप आईपी लेयर पे हो, आकांक्षा आप कौन सी लेयर पे हो? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। आईपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर की है? ट्रांसपोर्ट की। तो बेटा क्या चाहिए? सोर्स का आईपी एड्रेस, और डेस्टिनेशन का नहीं चाहिए होगा क्या? तो कुछ पता हो ना पता हो, ये तो पता ही चल गया कि ये दो चीज तो चाहिए, याद तो सिर्फ इतना जी, करना रह गया। और अगर आईपी वर्जन 4 है तो वर्जन चाहिए, वेरिएबल लेंथ का हेडर है तो हेडर की लेंथ चाहिए, और टोटल लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आई? सेकंड मैंने पूरी ही कैसे बता दी, इसे याद रखो फ्रेगमेंटेशन से, कि फ्रेगमेंट में ब्रेक करना है, तो वो कहानी यहां से हो जाएगी। टीटीएल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, तो ये बनेगा ही। और अपर लेयर पे ये हेडर में कुछ गड़बड़ ना हो तो चेकसम चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, तो अब तुम्हें मैं शुरू से क्वेश्चन कराता आ रहा हूं, एक कि ट्रांस, वो डेटा लिंक लेयर पे एरर कंट्रोल किससे होता है बच्चों? सीआरसी से, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे किससे होता है? चेकसम से। तो अगर चेक ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेकसम से हो रहा है तो क्या यहाँ चेकसम नहीं समझे, चाहिए होगा?
हाँ एक आपका चेकसम के लिए चला गई 16 बिट, तो बताओ कोई रटने जी वाली बात इन तीन में रह गई हो तो। हमने चीजें कैसे ध्यान रख जी रखी हैं इतने लंबे समय से, क्योंकि लॉजिकली कनेक्टेड है। अब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी सर्विस यूज कर रही होगी, क्या उसमें पोर्ट एड्रेस नहीं चाहिए होंगे? तो कम से जी कम दो फील्ड तो याद हो गई। अब आप टीसीपी भी पढ़ेंगे, तो टीसीपी में भी ये दोनों तो चाहिए। समझ में आई कि नहीं? जी अब यहां पे थे तो सोर्स पोर्ट आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, तो कम से कम दो लाइनें तो बिना कहे याद हो गई। यहां पे तो लगभग सब कुछ ही याद हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है, बस इसके में एक टोटल लेंथ भी चाहिए होगी पैकेट का पूरा होता है तो, बोलो। तो एक टोटल लेंथ जी की फील्ड हो गई, कहानी खत्म। ये वेल नोन पोर्ट्स फॉर यूडीपी, इसका मैं अलग से आपको करा दूंगा। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों यूडीपी को कौन कौन सी चीजें यूज करती हैं, तो देखो एसएनएमपी यूडीपी की सर्विसेज यूज करती है, बूट पीवीसी की करती है, और हम पढ़ लेंगे इसको, या और टीएफटीपी करती है। ये तीन चीज ही ध्यान रखनी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये सारी प्रोटोकॉल्स, कौन यूडीपी यूज करेगा, कौन टीसीपी, एक अलग वीडियो में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है? अभी इसको यहाँ पे, क्योंकि अभी तुम ये याद करने बैठ जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार यूडीपी टीसीपी भारी बहुत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छुड़वा दे रहा हूँ। जब हम उसको जी यूडीपी टीसीपी आज करो सेपरेट वीडियो में 10 मिनट की, कौन किसकी सर्विस यूज करता है वो कर लेंगे, खत्म हो गई कहानी। तो फिर जब पढ़ोगे, ये कंबाइन करके इसलिए रख रखा है जिससे रिविजन भी हो जाए। पढ़नी इसमें सिर्फ बूट पी वाला, टीएफटीपी और एसएनएमपी, इन तीन को ध्यान रखने की जरूरत है, और कुछ की जरूरत है नहीं। एक आरआईपी और करता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अभी चूंकि आरआईपी आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि राउटिंग ही नहीं पढ़ी, ठीक है? चलो, तो मेरे ख्याल से अब देखो यूजर क्या, इसका डेटा का नाम एक्सप्लेन करने की जरूरत है जैसे कल आईपी का किया था? भाई सोर्स का पोर्ट नहीं एड्रेस पता ही है क्या होगा, 16 बिट का। डेस्टिनेशन का भी पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट की मशीन से डेस्टिनेशन पे जाना है। लेंथ क्या है, टोटल पैकेट की लेंथ। अब देख आकांक्षा, 16 बिट में 20 में क्या आ जाएगी, पूरी लेंथ। तो लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 65535। इसके बाद अगला क्या रहा, चेकसम। क्योंकि अगर इसके हेडर में मान लो पोर्ट नंबर चेंज हो जाता है धोखे से थोड़ा बहुत, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? नहीं है ना। मान लो 80 की जगह ट्रांसमिशन के टाइम पे वो 79 हो गया। अब 80 का मतलब क्या है, HTTP, और 79 कुछ और होता होगा, तो सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी ना, इसलिए। तो चेकसम यहाँ पे हो गया। और ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, मैं आपको शुरू से कई बार बोल चुका कि एरर करेक्शन डेटा लिंक लेयर पे किससे होता है, एरर डिटेक्शन किससे होता है? तो किससे होता है, डेटा लिंक लेयर पे सीआरसी से, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सीआरसी चेकसम से। वेरी 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 चेकसम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्या हुआ? चलिए, तो बच्चों मेरे ख्याल से देखो यूडी आईपी का मैंने अच्छा खासा रिवीजन आपको करा दिया, और यूडीपी आपकी खत्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ क्या बची, टीसीपी। अब देखो ये ना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यूडीपी का ऑपरेशन, यूडीपी कैसी होती है कांशा, कनेक्शन लेस। तो कनेक्शनलेस सारी वही बातें हो गई। यहाँ पे और कोई फ्लो, अनरिलायबल। यहाँ पे कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता, कोई एरर कंट्रोल नहीं होता, मतलब हमें मतलब नहीं है डेटा पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा, भीड़ हो गई या गलत पहुंच गया, कोई मतलब नहीं है। यूज ऑफ यूडीपी, दिस इज द अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो देखो यूडीपी सुटेबल किसके लिए है, जिसे सिंपल क्लाइंट का रिक्वेस्ट का वो चाहिए। हाँ देखो, एक डीएनएस भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनएस में आकांक्षा आप क्या करते हैं, आपने एक नेम भेजा, मान लो www.medizy.com, है ना? अब आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट इसका आईपी एड्रेस चाहिए, वो भी फास्टेस्ट, जितनी जल्दी हो सके। कैशे में पड़ा हो तो वहीं से उठा के दे दो, है ना? इसमें ये थोड़ी है डेटा गलत भी आ जाएगा, तो मान लो गलत आईपी एड्रेस दे दिया तो आप सही जगह नहीं पहुंचे, दोबारा कर लेंगे। समझ में आई कि नहीं? तो यूडीपी सुटेबल कहाँ है, जहां पे रिक्वेस्ट भेजिए और उसका तुरंत रेस्पॉन्स चाहिए। तो डीएनएस में कौन यूज होता है बच्चों, यूडीपी यूज होता है, ठीक है? अब देख यूडीपी वहां पे सुटेबल है। सुबह अगर आप प्रोटोकॉल वाली वीडियो सुन लेते हैं ना, ऑडियो 16 मिनट की, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था मैंने वैसे भी, क्योंकि प्रोटोकॉल तो सारी पढ़ चुके ना। तो यहाँ पे जहां पे इंटरनल फ्लो और कंट्रोल मैकेनिज्म खुद से गिवन है, लाइक टीएफटीपी में है, तो वो ट्रिवियली फाइल ट्रांसफर करनी है, और टीएफटी के प्रोसेस में खुद ही फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल है मौजूद, तो इसे करने की क्या जरूरत है? फिर टीसीपी से एक्स्ट्रा क्यों करवाना है, तो हम किसकी सर्विस यूज कर लेते हैं, यूडीपी की, जिससे काम भी यूडीपी फास्ट हो जाए। ये काम समझ में आया? तो देखो डीएनएस यूज कर रही हो, टीएफटीपी भी किसको यूज करता है, इसकी सर्विस यूज करता यूडीपी है ना। फिर देखो एक यहाँ पे आ भी गया, पीछे भी बता रहा था, आरआईपी भी इसकी यूज करता है और एसएनएमपी भी इसकी यूज करता है, बस ये याद रखना है, क्लियर? और देखो ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये मैं तुम्हें बताऊं कहां से आप याद रख सकते हैं। यूडीपी में क्या होगा, कनेक्शन बनेगा क्या कांशा, मान लो ये सोर्स है डेस्टिनेशन है, बहुत सारे रास्ते होंगे, क्या कनेक्शन बनेगा?
तो कोई भी पैकेट कहीं से भी जा सकता है ना, फास्टेस्ट हाँ यहाँ पे जी पहुंचना है, और जब फास्टेस्ट पहुंचना है किसी भी रास्ते से जाता है तो यानी यूडीपी क्या सपोर्ट करता है, मल्टीकास्टिंग। टीसीपी में क्या होगा, पहले एक कनेक्शन बन जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन, उसी पे सारे पैकेट फ्लो करेंगे, तो यानी वहां पे मल्टीकास्टिंग नहीं होती है। नहीं होगी। मेरे ख्याल से ना रटने की जरूरत है ना किसी और चीज की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये चारों अगर आप याद रखेंगे तो बाकी पॉइंट्स तो हो ही गए। ये मल्टीकास्टिंग लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं, जब ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कनेक्शन नहीं बना था, तो यानी मल्टीकास्टिंग को सपोर्ट करता है ना। और टीसीपी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये ट्रू फॉल्स में बच्चों बहुत मदद करेंगे आपकी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, चाहे कैसा भी पेपर बन रहा हो, नेटवर्क का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर का उसका देख ही लिया होगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, कोई बचा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा होगा स्लाइड खोल के देख लेना, उतना ही है, आप उसको 2 पेज पे लिख सकते हो वैसे को, लाइकवाइज आप इसको भी लिख सकते हो 3-4 पेज पे, ठीक है। अब यूडीपी खत्म हो गया, अब आगे हम टीसीपी पे, ठीक है। तो टीसीपी क्या करेगा आकांक्षा, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है हाँ और जी, क्या है, रिलायबल है, रिलायबल। ठीक है। यानी ये एरर कंट्रोल भी करेगा और फ्लो कंट्रोल भी करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर करती है ना एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, तो उसने हाँ ये नहीं कहा जी कि ट्रांसपोर्ट लेयर की सारी लेयर्स करेंगी, यूडीपी नहीं करती बट टीसीपी करती है, तो यानी ट्रांसपोर्ट करती लेयर पे भी एरर कंट्रोल मैकेनिज्म वगैरह चलती है। तो टीसीपी की सर्विस प्रोसेस टू प्रोसेस, ये देखो मैंने लिख दिया है, ये स्लाइड्स ऐड कर दी हैं, बट ये सब आप इतनी बार डिस्कस कर चुके हो कि इन बातों की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं करना, ठीक है। हाँ ये फिर जी वही आ गई कि कौन सी प्रोटोकॉल किसको यूज कर रहा है, तो इसका स्लाइड की जरूरत है नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मैं अपने आप बता दूंगा कौन सी आपको याद रखनी है, जैसे वहां पे वे डिस्कस हो गई, यहाँ की बाद में बता दूंगा, ठीक। अब ये क्या है, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है। स्ट्रीम मतलब जो डेटा जाता है ना कंटिन्यूअस स्ट्रीम की फॉर्म में जाता है, स्ट्रीम ऑफ बाइट ट्रांसफर होती है सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब प्रोसेस से प्रोसेस। अब वो जाती कैसे है आकांक्षा, ये कैसे बनाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है कि नहीं है, हाँ वर्चुअली ये जी रन टाइम पे कनेक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। अब जब ये कनेक्शन ओरिएंटेड है तो जब कनेक्शन बन चुका तो बाइट्स तो फिर सीक्वेंस में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो ये कोई रटने या हाँ याद जी करने की चीज नहीं है, अगर टीसीपी का बेसिक लॉजिक क्लियर है तो वो हो जाएगा। अब देखो होता कैसा है, अब इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा बट फ्लो कंट्रोल कर रहा है कैसे, देखो ये इसकी बफर है, किसकी, सेंडिंग वाले का बफर, ये रिसीवर का बफर है, समझ लो यहाँ पे डेटा रखा है आकांक्षा, ठीक है। और ये तुम्हारी स्ट्रीम कंट्रोल कनेक्शन, कनेक्शन पहले बन चुका है, ये रिसीवर है, तो देखो ये है तुम्हारे सेंट, जो पैकेट्स आप सेंड कर चुके हो, ठीक है, ये है तुम्हारे नॉट सेंट वाले, और ये तुम्हारा सेंडिंग प्रोसेस इन खानों में लिखता जा रहा है। तो अभी अगला नंबर किस खाने का है, इसका, वो जैसे ही यहाँ पे चला जाएगा इसके पास रिसीव हो जाएगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंट में आ जाएगा, समझ में आया। ये वही काम कर रहा है, मतलब हमारे पास सेंडर के पास भी बफर होता है और रिसीवर के पास भी क्या होता है, बफर होता है, तभी जी तो स्ट्रीम ओरिएंटेड सर्विस रहेगी। देखो बच्चों यहाँ पे जरूरी क्या है, सिर्फ टीसीपी की ये बातें इंपॉर्टेंट थी, जो टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस है वो डिफरेंस आप अच्छे से कर चुके हैं, बाकी टीसीपी वर्क कैसे करता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, और फिर ये अदरवाइज रटना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख लेंगे कि ये कनेक्शन कैसे बनाता है तो दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा ना, फिर कनेक्शन ओरिएंटेड याद रखना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो टीसीपी में आपको 3-4 चीजें पढ़नी है अभी, टीसीपी कनेक्शन कैसे बनाता है ना, टीसीपी का हेडर, और टीसीपी में एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, क्लियर। जी तो टीसीपी में कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसा है, फुल डुप्लेक्स, मतलब जैसे ये सेंडर और ये दोनों तरफ रिसीवर है, से होगा। तो ये भी इसको डेटा भेज सकता है और ये भी इसको डेटा भेज सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं है, है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, रिलायबल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। जी कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब देखो आकांक्षा, पहले इसमें कनेक्शन बनता है, फिर डेटा आप दोनों डायरेक्शन में से कहीं भी भेज सकते हैं, फिर आप इसको कनेक्शन को टर्मिनेट करते हो। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल पैकेट होता है, इसको बोलते हैं सिन, वो भेजता है, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए भेजते हैं फिन, समझ में आया। ये आगे यूज करेंगे, हेडर ओके में है ये बातें, किसी को यहां जी तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। सागर बात क्लियर है, टीसीपी हाँ कैसी है सर अभी तक, वही डिस्कस जो शुरू से अब तक कई बार कर चुके, और यहाँ पे पैकेट्स को बच्चों क्या बोलते हैं, पैकेट ना बोल के क्या बोल देते हैं, सेगमेंट, क्या बोल देते हैं पैकेट को, सेगमेंट सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। आईपी लेयर पे उनको पैकेट बोल रहे थे। टीसीपी के फीचर, अब देखो फीचर क्या है, पहले हम टीसीपी का वो याद कर लेते हैं, हेडर, क्या याद करते हैं, हेडर। हेडर अब आकांक्षा देख, इसका हेडर भी याद करना बहुत आसान है, मैं खुद से वैसा बताता हूँ। देखो इसमें भी क्या है, वही अपर लेयर से जो डेटा आ रहा होगा ये अपना हेडर ऐड करेगा, और ऊपर से कोई डेटा आ ही रहा है किससे, एप्लीकेशन लेयर वगैरह से,
अब इसका भी हेडर मैंने जब कल आईपी का कराया था तभी बता दिया था, इसका भी कितना होता है, 20 से 60 बाइट का हेडर होता है, ठीक है। अब 20 से 60 बाइट का, तो आकांक्षा फिर से वही खेल हो गया कि नहीं, मतलब हमें ऐसे ऐसे 5 खाने याद करने होंगे होंगे, और एक ऑप्शंस वाला हो गया। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, तो आईपी जैसा ही है कि 40 बाइट की तो ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें से जी कुछ तो तुम बता ही सकते हो मुझे, जी बताओ क्या क्या बता सकते हो। पहली लाइन आप मुझे बता ही सकते हो क्या हो गया, जो यूडीपी में था, सोर्स का पोर्ट नंबर 16 बिट का और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर कितनी बिट का, 16 बिट का। सोलह सागर ये बात याद करनी कोई बड़ी चीज हो गई क्या, नहीं सर। हाँ हो जाएगा ये आराम से याद। अब देखो इसमें अगले 2 खाने भी बहुत आराम से याद हो सकते हैं। आकांक्षा यहां से यहां जो पैकेट जाना है, क्या तुम्हारी जो क्या है टीसीपी एरर कंट्रोल करती है या नहीं करती है? हाँ जी एरर कंट्रोल कब हो पाएगा, जब पैकेट्स के ऊपर नंबरिंग हो, तभी तो पता चलेगा कौन सा लॉस हुआ कौन सा नहीं हुआ, तो जैसे कि हम वहां पे करते आइडेंटिफिकेशन थे ना होल्ड एंड वेट पे और इन सब चीज पे। तो यहाँ पे बच्चों, क्योंकि हम ओवर द नेटवर्क बात कर रहे हैं, तो हजारों करोड़ों पैकेट्स हैं, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर 32 बिट का। 32 बिट का मतलब समझ गए, 2 की पावर 32, कई अरब नंबर्स हो गए 2 की पावर 32, ठीक है, कई करोड़ तो हो ही गए होंगे, करोड़ या अरब की टर्म्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आकांक्षा, ये आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे जो तुम्हें पैकेट भेजना है उनके ऊपर जो तुम नंबरिंग करोगे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन बिट। तभी तो, अब मान लो इसके पास तुमने पैकेट भेजे थे, वही 1 2 3 4 5 भेजा था, अब 3 नहीं आ पाया, ये मान ले सारे पहुंच गया आकांक्षा, तो ये क्या भेजेगा तेरे को, एक्नोलेजमेंट भेजेगा किसकी, 6 की, ऐसे ही तो होगा ना, जैसा हाँ सेम हमने फ्लो वहां पे पढ़ा था एरर कंट्रोल में और फ्लो कंट्रोल में, तो यहाँ पे भी तो फ्लो कंट्रोल हो रहा है ना ये। अब इस पे 6 आ गया आकांक्षा, 6 की एक्नोलेजमेंट, तो यहाँ पे अब एक्नोलेजमेंट क्या है, अच्छा अगर तुमने पैकेट का नंबर लिखा 15 करोड़, तो एक्नोलेजमेंट क्या भेजेगा, 15 करोड़ 1, तो हाँ जितने जी बिट एक्नोलेजमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए उतने बिट किसके लिए चाहिए होंगे, एक्नोलेजमेंट के लिए, समझ में आई या नहीं आई। जी और 16 बिट तो आपको पता है किसके लिए यूज होंगी, चेकसम के लिए। आप सोच ले बस, अगर आप लॉजिकली इसको समझ जाएंगे ना, तो सिर्फ ये याद करना है, बोलो कोई बड़ा चीज जी है, बस बाकी को आप देख लीजिए। तो देख यहाँ का ये याद हो गया, ये तो सेम उसमें भी था, बोलो, और ये हाँ भी जी सेम था, है ना, ये दोनों तो आप, ये इसका अगर आप टीसीपी को याद रखेंगे, टीसीपी फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल करती है, तो ये बातें अपने आप ध्यान रहेंगी। ओके जी अब नेक्स्ट लाइन पे आता है, तो मतलब 3 लाइन तो ऑटोमेटिकली याद हो गई, एक में चेकसम है, नीचे वाली में 16 बिट चेकसम की है, 16 बिट अर्जेंट पॉइंटर की है, तो ये 16 16 भी याद हो जाएंगी एकदम। अर्जेंट पॉइंटर का यूज क्या भी बताऊंगा, तो वो अपने आप ध्यान हो जाएगा क्यों चाहिए। अब आकांक्षा केवल लाइन याद करने के लिए इसमें एक ही है, अब इसकी पहली 4 बिट तो याद हो ही जाएंगी, क्यों, पहली 4 बिट किसके लिए आकांक्षा, ये हेडर की लेंथ के लिए। हेडर क्या है, 20 से 60 बाइट का वेरिएबल लेंथ का हेडर है, तो जैसे एच लैन आईपी में दिया था, यहाँ पे भी एच लैन के लिए 4 बिट हो गई। ओके, ये 6 बिट रिजर्व जी है, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, 6 4 10, क्योंकि आपको ये 6 बिट देखनी है। ये 6 बिट क्या है, स्पेशल जब आप पैकेट भेजते हैं ना आकांक्षा, ये 6 बिट वहां पे यूज करते हैं। अब आकांक्षा तुझे कोई डेटा जाना है, वो बहुत अर्जेंट है नेटवर्क पे, वो डेटा बहुत अर्जेंटली डिलीवर होना चाहिए दूसरों को, तो आप यहाँ पे अर्जेंट बिट को सेट करके भेजोगे, मतलब 1 करके भेजोगे, तो जब वो नेटवर्क के ऊपर डेटा जा रहा होगा ना, जिसकी अर्जेंट बिट 1 होगी, तो मान ले अगर आगे कंजेशन हो रहा है, केवल 4 पैकेट ही जा सकते हैं, तो ये देखेगा इस वाले पैकेट का अर्जेंट पॉइंटर 1 है, तो ये बाकियों को लॉस भले से कर दे, इस पैकेट को जरूर भेजेगा, समझ में आई क्या यूज है इसका। जी अब जैसे मान ले मैंने कोई पैकेट भेजा, इधर वाला मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो वो एक्नॉलेजमेंट बिट को 1 करके भेजता है। पुश का मतलब डेटा को रखना, रीसेट का मतलब देखो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना, तो रीसेट का मतलब कनेक्शन को रीसेट करने के लिए। और सिन मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको कोई मैसेज भेजता हूँ, वो मैसेज ये है कि भाई मैं तुझसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो तब ये सिन बिट को ऑन करके भेजेगा। और जब ये पैकेट भेजेगा मुझे तुझसे कनेक्शन ब्रेक करना है, या ये पैकेट भेजे कि मुझे तुझसे कनेक्शन ब्रेक करना है, तो ये कौन से बिट को ऑन करेगा, फिन को। क्लियर हुआ, कोई याद करने के लिए बड़ी जी चीज है क्या। अब ये विंडो साइज, जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम पढ़ रहे थे कि इधर से विंडो के श्रिंक होती रहेगी, इधर से ग्रो होती रहेगी, तो जो पैकेट आप भेजते रहते हैं उतनी विंडो अंदर सिकुड़ती जाएगी ना। आकांक्षा अभी इसमें 16 खाने हाँ रखे जी हैं, मैं 6 पैकेट भेज दूं, तो अब इसकी विंडो का साइज कितना बचेगा, 10 का बचेगा ना, हाँ लाइकवाइज जी रिसीवर का, तो इस विंडो के साइज के लिए कितनी बिट यूज हो रही है, 16। समझ में आ गई कि नहीं। तो देखो अगर आप लॉजिकली इसको दिमाग में रखेंगे टीसीपी को, तो इस हेडर से ही पूरी टीसीपी का सारी वर्किंग इसके अंदर है। देखो टीसीपी वर्क किस पे करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे,
तो यानी पोर्ट एड्रेसेस चाहिए, तो ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। अभी हम काम पढ़ेंगे ना, कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे ब्रेक होता है, कैसे पैकेट लॉस होने से बचाता है, मतलब एरर कंट्रोल कैसे करेगा, फ्लो कंट्रोल कैसे करेगा। बच्चों 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा, तो प्लीज पे योर अटेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस बिट का देखो, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन भी कर सकता था, बट मैं इतना एफर्ट्स इसमें क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉजिकली समझ गए ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज एक दूसरे से ठीक कनेक्टेड है। अगर मैं ये याद रखूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करता है, तो मुझे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग जरूरत करने के लिए चाहिए पोर्ट नंबर। तो यानी यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल होगी वो पोर्ट नंबर को यूज कर रही होगी। पोर्ट नंबर होता है 16 बिट का। तो ऐसे यूडीपी तो ऐसे ही याद हो गया भाई। यूडीपी में 16 बिट सेंडर का पोर्ट, 16 बिट डेस्टिनेशन का, 16 बिट का चेकसम, और पैकेट की लेंथ भी तो कुछ होगी टोटल लेंथ के लिए, 16 बिट खत्म कहानी। तो यूडीपी आज क्या याद रखना पड़ेगा बताओ आपको। अब टीसीपी के लिए मैंने शुरू की 3 लाइन तो ऐसे ही मक्खन की तरह याद हो गई। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पोर्ट नंबर तो चाहिए। अब जो आप पैकेट भेजते हैं तो पैकेट के ऊपर नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, तभी तो पता चला कौन सा खोया कौन सा नहीं खोया, क्योंकि टीसीपी कैसी है हाँ बच्चों, जी रिलायबल है, प्लस कनेक्शन स्टेब्लिश करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो यानी रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए दोनों चीजें चाहिए। खत्म, 3 लाइन है। चेकसम आपको 16 बिट याद ही रहेगा, वो तो इसमें भी है, ठीक है। अर्जेंट पॉइंटर अकेंशा, फिर ये अर्जेंट पॉइंटर की 16 बिट किसके लिए दे रही है, जो डेटा अगर हमें अर्जेंटली सेट करना है तो वहां पे अर्जेंट पॉइंटर में 16 बिट में उसकी वो डाल देंगे, मतलब डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल लेंथ का हेडर है 20 से 60 बाइट का, तो वेरिएबल लेंथ का आईपी भी था, तो वहां पे भी एच लेंथ के लिए फील्ड थी, यहाँ पे भी है। 6 बिट रिजर्व हो गई, ये 6 आपको जिससे काम होना है, मतलब सिन चाहिए, फिन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए बिट है, अर्जेंट पॉइंटर के लिए, पुश के लिए और रिसेट के लिए मेरे ख्याल। और ये जो पीछे लिखा हुआ है ना बच्चों, ये यही एक्सप्लेन है, नंबरिंग सिस्टम। टीसीपी में क्या है, सिक्वेंस नंबर देते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसके लिए क्या यूज कर लिया हमने, 32 बिट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे वो कहानी हो गई, कौन सा जाएगा कैसे, एक्नॉलेजमेंट लेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है, उसके लिए कैसे करेगा, और कंजेशन कंट्रोल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बता रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, फ्लो कंट्रोल भी करती है, एरर भी और कंजेशन भी, और ये सब काम कौन करता है, टीसीपी। अनलाइक यूडीपी प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, यूडीपी नहीं प्रोवाइड करता फ्लो कंट्रोल, ना यूडीपी प्रोवाइड करता एरर कंट्रोल, ना यूडीपी प्रोवाइड करता कंजेशन कंट्रोल, ये सब कौन करता है, टीसीपी। इसलिए किसी हम ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोल देते हैं, कि ट्रांसपोर्ट लेयर ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। ओके, इसका सेगमेंट आपको याद हो ही गया होगा। अब ये सब एक्सप्लेन है बच्चों, सोर्स का पोर्ट एड्रेस, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ओके बोलिए, अब ये 6 जो पॉइंटर है, यहाँ कौन सा किसके, हाँ बताओ गौरव। अगर ये एक्नॉलेजमेंट बिट जो है इसको अगर हम 0 रखेंगे तो सामने से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा हमको। देख पता क्या, मान ले गौरव ये ए है ये बी है, इसने इसको कोई डेटा भेजा, ओके। हाँ जी सर, अब जब ये डेटा भेजेगा तो डेटा तो किसी पैकेट में जाएगा, उस पैकेट में हेडर तो आपको इनक्लोज करना ही पड़ेगा, उस हेडर में ये 6 बिट है। अब मान ले सिर्फ तूने डेटा भेजा है, तो आप पुश बिट को ऑन करके भेजेंगे, और मान ले तेरा डेटा अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट डेटा है, तो तू इसे भी ऑन करके भेजेगा, बाकी कुछ ही को नहीं भेजेगा। क्लियर हुआ? अब हाँ सपोज जी सर, इसने तेरे डेटा की एक्नॉलेजमेंट भेजी कि मुझे डेटा रिसीव हो गया और कुछ नहीं भेजा, तो ये क्या भेजेगा, अपने जो पैकेट में हेडर में होगा उस पैकेट में बाकी 6 बिट सारी 0 होंगी, एक्नॉलेजमेंट बिट क्या होगी, 1 होगी। समझ में आई? अब देख यस सर, अब सबसे पहली बार तो डेटा भेजने से पहले ए बी से कनेक्शन बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मैं भी पढ़ाऊंगा टीसीपी में यस सर, कनेक्शन कैसे बनता है। तो जब टीसीपी में कनेक्शन बनता है ना गौरव, तो वो भी किसी, भाई जो भी चीज आप भेज रहे हो उसे किसी एनवलप में तो भेजोगे ना टीसीपी के, तो टीसीपी का एनवलप मतलब टीसीपी का हेडर। अब टीसीपी के हेडर में जब आप शुरू में भेजेंगे, आपने सिर्फ क्या भेजा, ए को ये बोला बी से, ए बी से ये बोलना चाह रहा है मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो ये इन 6 बिट में से बाकी सारी 0 होंगी, ये सिन बिट को 1 करके भेजेगा, क्योंकि सिन इज यूज टू क्रिएट द कनेक्शन, फिन इज यूज टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब मान ले जब इसे कनेक्शन बनाना है तो ये 1 भेजेगा। अब देख गौरव यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, टीसीपी बच्चों कनेक्शन कैसे बनाती है, यहाँ पे पढ़ो आप, अभी अगली स्लाइड शायद वही होगी टीसीपी का कनेक्शन। तो टीसीपी करती है बच्चों थ्री वे हैंडशेकिंग, क्या करती है टीसीपी, थ्री वे हैंडशेकिंग, हैंडशेक समझते हैं आप, हाथ मिलाना। थ्री वे क्यों है, ए जब बी को भेजेगा कोई पैकेट, तो ए इसमें पता है पैकेट में गौरव क्या भेजेगा, जो तेरा पूरा पैकेट होगा ना उसमें पैकेट में दुनिया भर की सारी बातें होंगी, और यहाँ पे सिन बिट 1 होगी, क्या होगी, सिन बिट 1, उन 6 बिट में से सिन बिट 1 होगी, यानी इसने इसको सिन का पैकेट भेजा। अब आकांक्षा इसके पास दो चॉइस है, बी को अगर ये पैकेट मिल गया तो ये इसको क्या बताएगा, मुझे तेरा पैकेट मिल गया, मतलब एक्नॉलेज एक्नॉलेजमेंट देनी कर पड़ेगी। अब एक बात बताओ, ए बी से कनेक्शन बनाना चाहता है,
तो यानी ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, बी को भी बनाना होगा इससे कि नहीं बनाएगा भाई, जी बी को भी तो डेटा भेजना होगा दोनों को, तभी तो उसमें आएंगे। तो बी भी कनेक्शन बनाना चाहता है, तो बिन बी भेजेगा सिन। ये किसकी सिन है कि भाई मैं भी तो उससे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, प्लस इसके साथ ही एक्नोलेजमेंट भी इसकी भेज देगा। तो यहाँ पे सिन और एक्नोलेजमेंट दोनों बिट वन रहेंगे। समझ में आ रही है गौरव? हाँ इस पैकेट्स जी में कोई डेटा वगैरह कुछ नहीं गया, केवल सिन प्लस एक्नोलेजमेंट आई। अब आकांक्षा इसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कि ए इसको कौन सा पैकेट भेजेगा? जो एक्नॉलेजमेंट मांगा होगा, मतलब नेक्स्ट वाला। हाँ एक्नोलेजमेंट नहीं मांगा होगा, इसने सिन भेजा, तो ये एक्नोलेजमेंट किसकी है? इसके सिन पैकेट की, कि भाई तू इस मैं अच्छा मुझे पता चल गया ओके तुझे कनेक्शन बनाना है। अब इसने इसके साथ अपना सिन भी भेज दिया कि भाई मैं भी बनाना चाहता हूँ और तेरी बात मुझे पता चल गई कि तू बनाना चाहता है। तो ये इसे एक्नॉलेज तो करेगा कि तुम्हारी सिन की रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज करने का मतलब है ओके मैंने अप्रूव कर दिया। भाई ए इसको बी को नहीं ओके बताएगा, जो इसने सिन भेजा है इसे भी तो इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग। कोई बड़ा काम नहीं है ये। बोलो हाँ जी गौरव, बात समझ में आती है ये? साहिल जी कनेक्शंस कैसे बनेंगे, क्लियर हो रही है? थ्री वे हैंड हाँ शेकिंग सर कैसे? भाई ये इसको बोलेगा हेलो, तो दूसरा वाला इसकी हेलो का जवाब देगा कि ओके, और प्लस मैं भी हेलो करना चाहता हूँ। तो इसे बताना पड़ेगा ना कि ओके आप हेलो करना चाहते हैं, मुझे पता चल गया। क्लियर हो गई बात? इस पैकेट, जी इस वाली स्लाइड को कर देते हैं डिलीट, अगली स्लाइड पे क्योंकि डिटेल में होगा। तो देखो देखो इसने बच्चों बनाया कैसे है। देख यहाँ पे गौरव, पैकेट जो गया है सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा कि जब इसे कोई पैकेट भेजना है ऊपर तो दुनिया भर का पोर्ट एड्रेस तो होगा ही होगा, उसे तो छोड़ दो। सीक्वेंस नंबर दिया देख इसने 8000, एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देख अब इसने यहाँ पे कौन कौन से बिट ऑन कर दी। अब देखिए फ्रोजन में भी गलती है, ये ए ऑन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ क्या पैकेट यहाँ भेज पे रहा है सिर्फ क्या सिन, पैकेट भेजता एक्नॉलेजमेंट तो है ही नहीं। समझ में आया? हेलो है? हाँ जी आकांक्षा, हाँ जी सर क्लियर हुआ ना? हाँ यहाँ पे सिन पैकेट में ये ए नहीं होना था, ये एक भेजेगा मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। एक्नॉलेजमेंट किस चीज की भेज रहा है भाई? अभी अभी तो सिर्फ कनेक्शन बना रहा है, तो इट इज रॉन्ग हेयर। अब देखो इसने भेजा आकांक्षा, ठीक है? अब इसने जब भेजा तो जो ये भेज रहा है उसका एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा कि नहीं? भाई इसका भी तो पैकेट है, तो उसे भी तो एक नंबर देना पड़ेगा ना, नेटवर्क पे हो सकता है पैकेट लॉस हो जाए। अब देखो इसने जब भेजा तो इसने देख 8000 जो पैकेट था इसकी एक्नॉलेजमेंट भी इसको भेजी 8001, यानी मुझे तेरा पैकेट नंबर 8000 मिल गया है। क्लियर हुआ? और इसने एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है इस पैकेट में अपनी, तो देख एक्नॉलेजमेंट बिट को भी वन किया, प्लस ये भी कनेक्शन बनाना चाहता है तो इसने सिंक्रोनाइज बिट को भी ऑन किया। बोलो सिन, समझ में आया? अब जी देखो इधर हाँ ए क्या भेज रहा है सिर्फ बी को, गौरव सिर्फ इस वाले पैकेट, कौन से पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है? पैकेट नंबर 15000। भाई जो पैकेट इसने भाई जो क्रिएट किया पैकेट था बी इसमें ने उसका सिक्वेंस क्या था? 15000, एनवलप नंबर 15000 है वो। तो देख इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है 15001 की, और दोबारा इसने अपना और पुराना सीक्वेंस दोबारा नंबर कंज्यूम कर लिया, दोबारा 8000 वाले एनवलप में लगा के भेज दिया। समझ में आई? तो देख यहाँ पे सिर्फ कौन सी बिट ऑन करी है इसने, एक्नॉलेजमेंट, इसमें सिर्फ सिन, इसने यहाँ पे दोनों क्योंकि सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजी, और यहाँ पे ए। एक टर्म होती है बच्चों, ये पेपर में आपका बन सकता है, व्हाट इज पिगी बैकिंग। ये बना हुआ भी है शायद पिछली बार आपके टीजीटी में, पिगी बैकिंग क्या होती है? बहुत सिंपल टर्म है बच्चों पिगी बैकिंग। बैक क्या होता है, जैसे पिग की बैक पे चढ़ गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। टर्म भी शायद उसी से बनी है, बट मैंने कभी इसका ये तो देखा नहीं टर्म कहाँ से जनरेट हुई है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं। आकांक्षा इस वाले पैकेट ने क्या होशियारी करी है, इस वाले बी ने अपना एक सिन पैकेट अलग से बनाने से, इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजना तो इसकी जिम्मेदारी थी जैसे इसने भेजी है ए ने, हाँ इसने क्या करा अपनी इसकी एक्नॉलेजमेंट के साथ अपना डाटा भी ढूंढ दिया कि भाई मैं भी तेरे से कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ये भी ले जा। समझ में आई? तो एक ही पैकेट में काम चला दिया, इसको बोलता है पिगी बैकिंग। तो पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट के साथ अगर आप अपना डेटा भी ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो दिस थिंग इज नोन एज पिगी बैकिंग। आपको ओके एक्नॉलेजमेंट करना तो था सर पिगी बैगिंग तो क्या था? इससे फायदा क्या होगा, नेटवर्क में कंजेशन कम होगा ना यार, दो पैकेट भेजने पड़ते हैं, मैं एक ही भेज के काम चला रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चों, जी क्लियर यस हो सर गया सबको? पिगी बैकिंग टर्म क्लियर है? तो टीसीपी क्या करता है, थ्री वे हैंड शेकिंग। तो देखो यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन कर रखी है कैसे कर रहा है, ठीक है? बोलिए, जी इसमें टर्म भी होती है कुछ बच्चों, एक्टिव ओपन और पैसिव ओपन। एक्टिव ओपन का मतलब क्या होता है कांशा, जो कनेक्शन बनाना चाहता है, जैसे पहले ये बनाना चाह रहा है, क्या इस टाइम सर्वर ओपन था? नहीं था। जब इसने इसकी रिक्वेस्ट ली और खुद करा, अब ये पैसिव ओपन था अभी, अब फिर ये ओपन हुआ है। एक चीज होती है साइमल्टेनियस ओपन। साइमल्टेनियस क्या है, मान ले ए बी को भेजे कि मैं तुझसे कनेक्शन भेजना चाहता हूँ, सेम टाइम पे बी भी ए को भेज रहा है मैं तुझसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है ना भाई, तो वो क्या हाँ कहलाएगा, साइमल्टेनियस ओपन। आगे वो
बच्चों पहली बात तो ये चीजें आनी नहीं है। मैं आपको समझा किस लिए रहा हूं, इसमें ये टर्म थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, और एक थ्री वे हैंड शेकिंग इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसा पूछ ले कि कैसे कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, टू वे हैंड शेकिंग, थ्री वे हैंड शेकिंग या क्या, तो टीसीपी क्या करती है बच्चों, कनेक्शन बनाने के लिए थ्री वे हैंड शेकिंग। और मेरे ख्याल से अब सिन रटना पड़ेगा क्या आपको, देखो जो नहीं। छह स्पेशल थे उसमें क्या क्या था, एक सिन था और एक फिन। अभी फिन का यूज हमने पढ़ा नहीं है, सिन तो हो गया और एक्नॉलेजमेंट हो गया, याद करने पड़ेंगे क्या, अर्जेंट था। डाटा के लिए पुश था, अर्जेंट के लिए यू आर जी था, सारे याद हो गए। जब तक खत्म होता है सब याद हो जाता है, तो पढ़ने पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बाद चीजें हो जाती है क्लियर। अब देखो आकांक्षा, यहाँ पे इसी तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफर का तरीका हो गया इसमें। ओके, जैसे 8,000 से 9,000 तक गया, फिर 9,000 से 10,000 तक का बाइट का डेटा भेज दिया, तो अगली बार ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेज रहा है आकांक्षा, देख यहाँ पे गौर से, 10,001। इसका मतलब क्या है, मुझे 10,000 तक डेटा मिल चुका है ना। अब देखो अगली बार ये फिर अगला भेज देगा डेटा, जो भी इसको भेजना है, ठीक है। अब देख कभी कभी अगर पैकेट लॉस होंगे भी, कि कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया, तो आप वो, मैंने वो सारी चीज दिखाई नहीं, सेम काम वैसा ही होता है जैसे वहां पे कर रहे थे। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, सिलेक्टिव रिपीट पढ़ी थी ना हमने, सारे पैकेट नहीं भेजेगा, जो जी लॉस होगा वही भेजेगा। अब कोई मुझे इसका रीजन अगर बता दे तो बहुत बढ़िया मजा सा आ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट क्यों चल रही है, एनीवन फ्रॉम यू प्लीज। सेलेक्टिव रिपीट क्यों चल रही है? मतलब यहाँ पे वही पैकेट क्यों मांगेगा, ये सारे पैकेट क्यों रिसेंड नहीं करवाएगा, क्योंकि सेंडर और रिसीवर साइड दोनों साइड बफर हैं आपके पास, मतलब डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो जैसे गो बैक एन में क्या दिक्कत थी बच्चों, गो बैक एन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सेंडर की विंडो का साइज था मान लो 7, अगर 3 बिट थी, और रिसीवर की विंडो का साइज था 1। अब आपने 1 2 3 4 5 ये भेजा, मान लीजिए 3 लॉस हो गया, तो इसने 1 और 2 तो रिसीव कर लिया था, 3 इसके पास आया नहीं, अगला पैकेट मिला इसको 4, तो ये तो ड्रॉप कर देगा, 4 नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, मुझे तो 3 चाहिए पहले, क्योंकि इसके पास रखने की जगह ही नहीं है, ये एक बार में एक ही पैकेट पकड़ सकता है। लेकिन सिलेक्टिव रिपीट में यहाँ पे अगर 4 खाने थे भेजने के लिए, तो रिसीवर के पास भी 4 खाने हैं, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट भी एक्सेप्ट कर ले रहा था। समझ में आई बात कि नहीं, हाँ तो जी यहाँ पे भी सिलेक्टिव रिपीट वाला काम क्यों चल रहा है, बफर नहीं थे सबसे शुरू में पढ़ाया नहीं, जो वो गोले से बना रहे थे, हाँ तो सेंडर की साइड भी जी बफर है और रिसीवर की साइड भी बफर है, मतलब कुछ डेटा तो ये होल्ड कर ही सकते हैं, तो आउट ऑफ ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आई, तो मतलब समझाने का ये था कि जैसे हमने सिलेक्टिव रिपीट में मेहनत करके समझ ही लिया था क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, तो यहाँ पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ सिलेक्टिव रिपीट की तरह काम चल रहा है, तो वहीं से काम चल जाएगा। तो आकांक्षा में दो ही जी चीजें समझनी थी, मतलब टीसीपी में अगर मैं आप समराइज करूं, यहाँ पे टीसीपी में आपको समझना क्या था, हेडर, हेडर क्लियर हो गया। समझे। टीसीपी कैसा होता है, कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड है ओरिएंटेड और और प्लस रिलायबल। रिलायबल है, खत्म बात। हेडर कैसा होता है, 20 से 60 बाइट का वेरिएबल लेंथ का हेडर होता है। समझे। आपने पूरा याद कर ही लिया, तो हेडर से रिलेटेड देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, क्यों नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है यार, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस सबको पता है, सीक्वेंस नंबर क्योंकि यहाँ रिलायबिलिटी के लिए चाहिए, तो वो क्या पूछेगा उसमें से क्वेश्चन, जैसे वहाँ टीटीएल फील्ड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्लस वहाँ वो टोटल लेंथ निकालने वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोटल लेंथ का सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कांशा, बन सकता है कि नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल लेंथ का हेडर है और टोटल लेंथ की फील्ड इसमें भी है, कहानी खत्म, बोलो। जी प्लस यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन बनाता कैसे, मतलब एरर कंट्रोल कैसे करता है, फ्लो कंट्रोल कैसे करता है, उन चीजों के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन कैसे बनता है, थ्री वे हैंड शेकिंग से, तो वो आपने पढ़ी लिया, थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है, जी कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए भी बच्चों ये यूज करता है, थ्री वे हैंड शेकिंग टर्मिनेट करने के लिए, या उस टर्म को बोलते हैं एक हाफ क्लोज टर्मिनेशन भी बोलते हैं। कनेक्शन टर्मिनेशन देखो कैसे होगा, सेम तरीका कनेक्शन को टर्मिनेट करने का, एक तो वही आकांक्षा, मान लो ए और बी अब तक ये बहुत डेटा ट्रांसफर कर चुके, अब ए को चाहिए कि भाई मेरा काम हो गया खत्म, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, तेरे से कनेक्शन ब्रेक करना चाहता हूँ, तो आकांक्षा ये क्या करेगा, इसको एक पैकेट भेजेगा, कौन सा, फिन। ओके, अब बी जी को भी लगा हाँ यार ठीक है मेरा भी डाटा खत्म ही हो चुका है, मुझे भी कनेक्शन तुझसे ब्रेक करना है, तो ये अपना फिन भेजेगा कि मैं भी ब्रेक करना चाहता हूँ, प्लस इसकी एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा, है ना। अब ये जी इसकी एक्नॉलेजमेंट दे देगा, ठीक है मुझे पता चल गया तुम्हें भी बंद करना है, दिस इज नोन एज व्हाट, थ्री वे हैंड शेकिंग फॉर टर्मिनेशन। एक जी सिचुएशन और होती है, इसमें दो तरीके से करेगा, थ्री
थ्री वे वाली वो तो हो गई ये, और एक करती है हाफ क्लोज। कौन सी? हाफ क्लोज सिचुएशन। ये हाफ क्लोज भी समझ लो बच्चों क्या होता है, मान लो ये ए है, आकांक्षा ये भी है। ए को ए ने भेजा फिन, इसका मतलब क्या है? फिन का कि मतलब मैं क्लोज कर कनेक्शन ब्रेक लिया करना कनेक्शन। चाहता हूँ, और आकांक्षा अगर आप कनेक्शन ब्रेक करना चाहते हो, आफ्टर दिस यू कैन नॉट सेंड एनी सिंगल बिट ऑफ डेटा। यानी फिन अगर आपने भेज दिया ना, तो अब फिन आप भेजोगे कब? जब आपको लग जाए मुझे कुछ नहीं भेजना, तो मैं कनेक्शन टर्मिनेट की ठीक रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मैं कनेक्शन ब्रेक करना चाहता हूँ। बट बी के पास अभी चार पांच मान ले पिक्चर्स थी जो इसे मुझे सेंड करनी थी, तो इस टाइम पे, और मान ले उसमें 1-2 मिनट लगती, तो ये इसकी वेट थोड़ी करेगा भाई। ये इसको तो एक्नोलेजमेंट देगा ही ना, सूचना देगा कि नहीं कि ठीक है हाँ भाई मुझे जी पता चल गया तू कनेक्शन ब्रेक करना चाहता है। अब इतना टाइम जो है, जब तक ये अपना फिन नहीं भेजेगा, ओनली बी कैन सेंड डेटा, ओनली बी कैन सेंड डेटा। ए नहीं भेज सकता क्योंकि ए ने तो फिन भेज चुका ना। अब हाँ मान ले जी बी को जो कुछ भेजना था वो सब भेज चुका, तो अब बी क्या कर देगा? जब भी बी को करना होगा, इसकी फिन भेज देगा, ये इसकी रिक्वेस्ट भेज देगा, इस रिक्वेस्ट इसका एक्नॉलेजमेंट। मतलब समझ में आया? इस सिचुएशन को हाफ जी क्लोज क्यों बोल रहे हैं बच्चों? देखो हाफ क्लोज हो चुका ना, मतलब ए की तरफ से टर्मिनेशन वो कंडीशन वो क्लोज हो चुका कि ए अब डेटा नहीं भेज सकता। अरे साहिल हाँ सागर, क्लियर है भाई बात? कनेक्शन हाँ बनाने के लिए सर। तो थ्री वे हैंडशेकिंग है, बिल्कुल सिंपल। कनेक्शन टर्मिनेट करने का भी सेम प्रोसेस है, बट कनेक्शन टर्मिनेट में एक सिचुएशन होती है हाफ क्लोज। हाफ क्लोज का मतलब है अब ए की तरफ से, इस टाइम ये हाफ डुप्लेक्स नहीं बन गया, केवल बी डेटा भेज सकता है, ए नहीं भेज सकता। और वैसे टीसीपी किस पे काम करती है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट। टीसीपी वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड मतलब ए भी डेटा भेज सकता है, बी भी भेज सकता है। बट अगर कनेक्शन टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट भेज दी ए ने, और बी को अभी नहीं टर्मिनेट करना था, तो अब बी तो भेज सकता है जब तक बी ए को चाहे, लेकिन ए कुछ नहीं भेज सकता उस टाइम पे, उस थोड़ी देर के लिए। ये किस मोड में काम करेगा? हाफ क्लोज मोड में। अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन ये बन जाए ना कि सपोज योर कनेक्शन इन टीसीपी इज इन हाफ क्लोज मोड, देन टीसीपी वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, इट कैन वर्क इन बोथ, इट कैन वर्क इन नन। समझ रहे हो? तो जिस बच्चे ने सही से नहीं पढ़ रखा ना, मतलब क्वेश्चन बनाने को तो हम ऐसे बना देना कि मजा भी आ जाए, टेक्निकल भी है, ठीक है, बट रटे रटाए वही क्वेश्चन चलते हैं। तो मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ बनेगा तो क्या बनेगा। तो इस पेज पे जो मैंने सिंपल बातें लिखी ना ऊपर, इन बातों से ही 90% क्वेश्चन बन सकता है। बाकी 10% क्वेश्चन है बच्चों इसकी नॉलेज पे। तो अगर आपको टीसीपी की नॉलेज नहीं है, तब आपको दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से आप टीसीपी फ्लो कंट्रोल कैसे कर पाता है आप समझ गए होंगे। एरर डिटेक्शन कैसे ठीक करेगा भाई? सब पे नंबरिंग करके भेज रहा है, तो कोई नहीं जाएगा उसको रिसेंड करवाएंगे, तो वो काम भी कर लेता है। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड है और पोर्ट एड्रेसिंग। तो क्या अब, अच्छा अब मुझे एक बात आप बताइए कि पहले दिन हमने को 1.5 घंटा लग गया किसको पढ़ने में? ओएसआई मॉडल को। क्या आप ओएसआई मॉडल में, आपको कुछ लगता है कि ओएसआई मॉडल में कुछ है? जो आपने नहीं सारी डिटेलिंग पढ़ी है वही तो ओएसआई मॉडल था, खत्म। सिर्फ मैंने ओएसआई मॉडल में कहा था कि आप सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को याद कर लीजिए। सेशन लेयर में क्या क्या काम थे? दो, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन। और उसमें क्या थे प्रेजेंटेशन लेयर में? प्रेजेंट कैसे करना है डेटा को, तो उसमें तीन हाँ चीजें थी, जी, बताइए क्या क्या थी? ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और कंप्रेशन। कंप्रेशन, वेरी गुड। बस ये तीन चीजें वहां पे थी कि ट्रांसलेट करना है हमें उसकी फॉर्म में, रिसीवर जिस फॉर्म में समझना चाह रहा है वो कंप्रेस करके भेजते हैं, और एनक्रिप्ट फॉर्म में भेजते हैं जिससे डेटा लीकेज ना हो। दैट्स इट बच्चों, अब छोटा सा काम बचेगा वो यहाँ पे हो जाएगा इसका। मैं ये हाफ क्लोज वगैरह ये सब सिचुएशन देखो यही है, एक्सप्लेन कर रखी है, ये सिर्फ मैंने चैप्टर बड़े कर रखे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, इसे उसी स्लाइड के साथ लिख देता हूँ, कभी स्लाइड से आप आगे बढ़ो ही ना कि छोड़ो ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना, सेंडर की विंडो, ये जनरल क्वेश्चन है तो देखो ये बन सकता है। कंजेशन कंट्रोल में आपको पढ़ा नहीं रहा, कंजेशन कंट्रोल आगे था है ना, कंजेशन कंट्रोल मैंने ऐड कर रखा है, इसकी पॉलिसी है कई तरीके की, बट वही बात है ना, आपको याद तो रह नहीं पाएगी इतना आप पढ़ेंगे नहीं, तो फिर फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं कंजेशन कंट्रोल के लिए तीन चार बातें डाल देता हूँ बस, ठीक है, कंजेशन कंट्रोल के लिए। तो एक तो मैंने आपको एक दिन करा ही दिया था, कल ही शायद कराया था कंजेशन कंट्रोल में। आकांक्षा मान लो जहां आपको पैकेट भेजना है, ये सेंडर है, सेंडर की विंडो का साइज और रिसीवर की विंडो के साइज के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक होती है बीच में कंजेशन विंडो। क्या होती है? कंजेशन कंजेशन विंडो, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन बन जाता है, और बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, मान लिया आकाशा सेंडर विंडो का साइज है, सेंडर की विंडो का साइज है 5000 बाइट, मतलब सेंडर कितना डेटा विंडो भेजना चाह रहा है? 5000 बाइट। जी, 5000। और
या सेंडर की विंडो का तो खैर देगा ही नहीं, हमेशा सेंडर की विंडो का ही पूछेगा। अब ये बोलेगा कंजेशन विंडो का साइज, कंजेशन विंडो समझ रहे हो, मान लो आपकी सड़क का साइज, ठीक है, सड़क का साइज है मान ले 2000 बाइट, और मान लो रिसीवर की विंडो का साइज, उसका साइज है 500 बाइट, तो सेंडर की विंडो का साइज क्या होगा। अब देख सड़क तो चौड़ी है कि यहाँ पे 2000 गाड़ी है, या मान ले 2000 फीट चौड़ी गाड़ी निकल जाएगी, बट रिसीवर के घर में केवल 500 जा सकती है, या किलो समझ लो, यहाँ पे 2000 किलो सामान ट्रांसफर हो सकता है, बट रिसीवर के घर की कैपेसिटी कितनी है, केवल 500 किलो, तो 500 सेंडर को भेजना कितना चाहिए, 500 500। तो बच्चों यहाँ पे मतलब आप सेंडर की विंडो का साइज कैसे निकल जाता है, मिनिमम ऑफ क्या, कंजेशन विंडो और कॉमा रिसीवर की विंडो, इन दोनों में से जिसकी विंडो का साइज मिनिमम है ना, वो ही सेंडर की विंडो का साइज बनता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां से बन सकता है, क्लियर। और हाँ एक जी कंजेशन में ये तीन चीजें चाहे याद करनी हो, किसी को डिटेल में समझनी हो तो बता दूंगा। एक चीज होती है कंजेशन कंट्रोल, ये कैसे करता है, तो इसमें तीन फेज होते हैं, स्लो स्टार्ट फेज, तो उसमें कैसे विंडो का साइज ग्रो करता है, विंडो का साइज कैसे ग्रो करता है, पेपर में गेट में भी आ रखा है एक बार, ये 2 नंबर का। एक कंजेशन, कंजेशन डिटेक्ट करने का फेज होता है, और एक कंजेशन को अवॉइड करने का फेज होता है, अवॉइडेंस। बच्चों ये तीन क्वेश्चन मतलब वैसे याद कर लेना, मेरे हिसाब से कुछ कुछ परसेंट तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो बस ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में रटने लायक कुछ रह नहीं गया होगा जो मैंने बताया है ना। बाकी यहाँ तीन जी फेजेस में विंडो का साइज कैसे ग्रो करता है, स्लो स्टार्ट में हमें लगेगा स्लो स्टार्ट हो रहा है ना, तो स्लो स्टार्ट में बच्चों जो बढ़ता है ना, ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली, कैसे ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियली मतलब समझ रहे हो, 2 के बाद 4, 4 के बाद लगातार 8, 8 के बाद 16, 32, 64 ऐसे बढ़ रहा है। कंजेशन डिटेक्ट जब आप करते हैं उस फेज में, आप जो इसका साइज बढ़ाते हैं, आप मोड लगाते हैं एडिटिव इंक्रीज। अब देखो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना कि स्लो स्टार्ट फेज में कौन सा चलता है, एडिटिव इंक्रीज चलता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, या कंजेशन अवॉइड जब हम करते हैं तब आप करते हैं मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज, क्या करते हैं हम बच्चों, मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज करते हैं, समझ में आई आकांक्षा। जी ये ही यहाँ पे हाँ ना आगे समझा रखा है, जब हम कंजेशन को करते हैं ना, देखो स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज किस में करता है, स्लो स्टार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम हमने पढ़ी है कौन सी, कंजेशन अवॉइडेंस, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो एडिटिव इंक्रीज, इंक्रीज और कंजेशन डिटेक्शन में मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, सॉरी वहां पे उल्टा लिख दिया, जल्दीबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये उल्टा है नहीं, बच्चों, एडिटिव इंक्रीज ही तो लिखा। अच्छा, नहीं कंजेशन डिटेक्शन में नहीं है ना अभी, मैं अब देखो वो इसको अगर अवॉइडेंस इसलिए समझाना जरूरी है, अब हमने याद थोड़ी कर रखे हैं कंजेशन, अब समझ भी लो, चलो 1 मिनट 2 मिनट और लग जाएंगे, कंजेशन डिटेक्शन। निताश्री लाइन पे हैं, दो मुश्किल से 48 हो रहे हैं, 44 तक क्लास बन, पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर कंबाइन खत्म करके। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए चीज बता रहा हूं क्योंकि ये जो कंजेशन कंट्रोल मतलब फ्लो कंट्रोल वगैरह हो रहा है वो यहां से हो रहा है। बहुत नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और हमेशा याद भी रहेगा। आकांक्षा यहाँ पे ये सेंडर है, मतलब एक पर्सन सेंडर है और ये रिसीवर है ना। अब क्या आपको पता है कंजेशन विंडो का साइज कितना है आकांक्षा, कि मैं कितना डेटा भेजूंगी भी रिसीव कर लेगा, मुझे क्या पता क्या कैपेसिटी है, मैं तो डेटा हाँ भेज रहा हूँ ना। जी तो आकांक्षा शुरू में आप इससे करके क्या देखते हो, एक पैकेट भेज के देखा, प्रदीप सुन रहा भाई, ऐसी तरीके से बताऊंगा ये तीनों, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो तुमने कितनी भेजी आकांक्षा, एक गाड़ी पहुंच गई, फिर मैंने 2 गाड़ी भेज के देखी पहुंच गई, फिर मैं क्या करूंगा, ये थोड़ी 3 भेज के देखूंगा, फिर मैं 4 भेज के देखूंगा, मतलब 1 बाइट का डेटा भेजा पहुंच गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, 2 का भेजा पहुंच गया, 4 का भेजा पहुंच गया, 8 का भेजा पहुंच गया, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 512 भी पहुंच गया। अब आकांक्षा जैसे मैंने अगला क्या करा, वरना आप हल्के हल्के बढ़ाते तो बहुत टाइम लगता ना, इसलिए आप डाटा को जी कैसे कर रहे हो, इसलिए स्लो स्टार्ट में क्या कर रहे हैं आकांक्षा, ग्रो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली। ये बात निताश्री क्लियर हुई, क्यों स्लो स्टार्ट फेज में एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, ये कंजेशन कंट्रोल के लिए है, ये टीसीपी ये मैकेनिज्म यूज करता है, तीन, स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस और कंजेशन डिटेक्शन। आपको जब मैंने चैप्टर दिखाया था टीसीपी का, उसने कहा था 2 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 23 एंड 24 में, 23 में था टीसीपी यूडीपी एससीटीपी, और 24 चैप्टर जो है वो है कंजेशन कंट्रोल के लिए।
तो मेरे दोनों ही चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं छूटेगा फ्रोजन में से भी। स्लो स्टार्ट समझ में आया, स्लो स्टार्ट में एक्सपोनेंशियली ग्रो क्यों है, रटने वरना फिर रटते रह जाते तो रटते ही रह जाते। स्लो स्टार्ट समझ में आया, हम स्टार्ट कर रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कंजेशन विंडो कितना है। अब आकांक्षा 512 तो चला गया था, 1024 नहीं जा पाया था, है ना। अब क्या करना चाहिए, क्या 512 ही तेरी कंजेशन विंडो का साइज है, ये तो नहीं पता चल रहा है ना मुझे। नहीं अब मैं एडिटिव इंक्रीज फेज शुरू करूंगा, मतलब 512 चला गया ठीक है, 513 भेज के देखो ये भी जा रहा है, 14 भेज के देखो, 15 16 17 700 तक पहुंच गए, बढ़ते बढ़ते 700 पे दिक्कत आ रही है, तो तुझे पता चल जाएगा ना रिसीवर की कैपेसिटी कितनी हो रही है, समझ में आया। इसलिए जब कंजेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि कंजेशन ना आए, क्योंकि अगर मैं दोबारा बढ़ाता तो दिक्कत क्या होगी, मतलब जब मैंने एक्सपोनेंशियली बढ़ाया था 512 से सीधा 1024 किया तो कंजेशन आया, तो मैं कौन सा फेज शुरू कर दूंगा तब, कंजेशन अवॉइडेंस करने अवॉइडेंस का। अवॉइडेंस मतलब मैं धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा एडिटिव इंक्रीज, समझ में आया, ऐड करते करते बढ़ा रहे हैं वो वट एवर, अब जरूरी नहीं है मैं एक एक जोड़ूंगा, मान लो मैं पांच पांच जोड़ के देख लूं या 10 10, तो 500 मेरा बजट चला गया, 520 करके देखा चला गया, 30 40 50 ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आया। एडिटिव इंक्रीज का मतलब क्या है, कुछ जोड़ के बढ़ा रहे हैं वैल्यू, ग्रो नहीं कर रहे एक्सपोनेंशियली, मतलब डबल डबल नहीं करते जा रहे। फिर अगर मान ले आकांक्षा पांच, मान ले 700 पे आ ही गया कंजेशन, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस फिर आप मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज करते हो, मतलब घटाते हो। इसमें भी दो टर्म बनती हैं वैसे, वो डिपेंड करता है जो नेक आता है ना, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ये किस वजह से आ रहा है, दो वजह हो सकती है, तो टाइमर एक्सपायर हो जाए है ना, या 3x आ जाए। अगर 3x से आता है तो सिस्टम पे कम दिक्कत है, आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे और एडिटिव इंक्रीज शुरू करेंगे। और अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है, टाइमर एक्सपायर करने का मतलब डेटा गया और मैंने मान रखा है 15 मिनट तक कुछ नहीं मिला, तो यानी कंजेशन है, तो मान लो टाइमर एक्सपायर होने की वजह से अगर मेरे को दिक्कत आई, तो मैं दोबारा विंडो का साइज कर दूंगा 0 और फिर मैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करूंगा। मतलब कंजेशन डिटेक्शन में भी दो तरीके लगते हैं, अब इतना डिटेल में हम जा नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि इनके नाम सीधे आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं नाम सीधे, कि कंजेशन डिटेक्शन का मतलब क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज है, अवॉइडेंस का मतलब क्या, एडिटिव इंक्रीज, स्लो स्टार्ट का मतलब क्या, ग्रो करेंगे एक्सपोनेंशियली। माइट भी आपको पूरी ट्रांसपोर्ट लेयर बच्चों के खत्म है, टीसीपी यूडीपी ये सब चीज शॉर्ट में इनका मैं बना दूंगा, तो शॉर्ट में बना दूंगा तो मुश्किल से 10 मिनट की ऑडियो में सब कुछ खत्म होगा, वो जो इम्पोर्टेंट होगा, समझ में आपको ये यहाँ से पीडीएफ आइडिया है। पे भेज देना भैया। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा अभी, ओके। हाँ जी।